आज हमारी जो रेसिपी है वो है एग रोल। बहुत ही इजी है इसे बनाना और आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप अंडा खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अंडे, पालक, प्याज और पत्ता गोभी। तो एक पैन में मैंने एक चम्मच तेल डाला गर्म करने। अब तेल गर्म होने पर मैंने इसमें पत्ता गोभी डाल दी है। यहाँ पर डाल दूँगी मैं पालक, नमक, थोड़ा यहाँ पे मैं गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो अपने स्वाद अनुसार मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं टमाटर सॉस भी मिक्स कर देती हूँ। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसी तरह से। अब यहाँ पे अंडे फोड़ देते हैं और ऑमलेट की तैयारी करते हैं। यहाँ पे डाल देती हूँ मैं प्याज, चिली फ्लेक्स और नमक भी मैंने इसमें डाला है। नमक भी ज़रूर डालें। अब इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। यहाँ पे मैंने सुबह के बने हुए परांठे लिए हैं। आप चाहो तो बची हुई रोटी भी ले सकते हैं। तवे में गरम कर लीजिए और उन पे घी लगा लीजिए, बस इसी तरह से बन जाएंगे। अब मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। अब ऑमलेट बना लेते हैं, बस इसी तरह से। और यहाँ पे थोड़ा मैं ये रोटी लगाऊंगी ताकि इस पर थोड़ा हमारा अंडा लग जाए, ताकि यहाँ चिपकने में आसानी हो। बस इसी तरह से इसे पलट दो। अब जिस परांठे पे मैंने अंडा लगाया था, बस इसे इस तरह से चिपका देंगे, हल्के से प्रेस कर लेंगे, बस इसी तरह से। अब इसे पलट देंगे तो हमारा अंडा दोनों तरफ से सिक चुका है। अब इसमें मैं ये जो सब्जियां मैंने बनाई थी मसाले वसाले डाल के, अब इसे साइड से हम भर लेंगे। बस साइड से ही हमें इसकी फिलिंग भरनी है ताकि हमें रोल बनाने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी भी डाल दी है। आप चाहो तो अपने स्वाद अनुसार यहाँ पे मेयोनीज वगैरह भी डाल सकते हैं। बस इसी तरह से धीरे धीरे रोल करते जाना है। तो बस इसे थोड़ी देर ऐसे ही प्रेस करके रखें, यह अपने आप सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा मैं बटर डाल देती हूँ। अगर आप बटर नहीं लेना चाहते हैं तो ये वैसे भी अच्छा बन जाता है, कोई ज़रूरी नहीं। बस इसी तरह से हम सारे रोल बना लेंगे और बहुत ही कम समय में यह रोल बन के तैयार होते हैं। और आपको बहुत पसंद आएगा तो ज़रूर